87 साल के तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने जहां मंगोलिया के लोगों को एक खुशखबरी दी है, वहीं चीन को एक झटका भी दिया है। तिब्बती धर्मगुरु ने 11 और 12 मार्च को धर्मशाला में हुई एक टीचिंग के दौरान अमेरिका में पैदा हुए 8 साल के मंगोलियाई बच्चे को वहां के सबसे बड़े बौद्ध धर्मगुरु के रूप में मान्यता दी है। दलाई लामा ने इस बच्चे को 10वें खलखा जेत्सन थम्पा रिनपोचे का पुनर्जन्म बताया है। नए तिब्बती धर्मगुरु दुनिया के एक मैथ्स प्रोफेसर के जुड़वा बच्चों में से एक है। चीन इस बात से बहुत खुश नहीं है क्योंकि चीन चाहता था कि ये परंपरा के लिए जो लोग चुने जाते हैं वो चीन में से ही चुने जाएं। इससे पहले भी 1995 में जब दलाई लामा ने दूसरे धर्मगुरु को चुना था तो चीन ने उसे जेल में डाल दिया था। अब तीसरे तिब्बती धर्मगुरु मिलने के बाद उसकी सुरक्षा को लेकर खासी चिंता है।